हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो हमारी रेसिपी है, हम लोग गार्लिक राइस और चिकन मंचूरियन बना रहे हैं, बहुत मज़े के है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन लिया, इसमें मैंने ब्लैक पेपर पाउडर एंड चिली पाउडर ऐड कर लिया। उसके बाद हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस आपने इसमें हाफ टी स्पून ऐड करना है। उसके बाद हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे, ये भी आपने हाफ टी स्पून ऐड करना है, क्योंकि हमने आगे भी ऐड करना है तो इसलिए आप लोग कम ऐड कीजिएगा। इसके बाद हमने इसमें वाइट विनेगर ऐड किया है, वो भी हाफ टी स्पून हम ऐड करेंगे। देन हम इसमें डालेंगे गार्लिक जिंजर पेस्ट। गार्लिक जिंजर पेस्ट भी आपने हाफ टी स्पून ऐड करना है और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसमें सारी चीज़ मिक्सिंग की है आपने, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि अंदर तक ये मैरिनेट हो जाए, अच्छी तरह लग जाए। अब हमारा ये मिक्स हो चुका है जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आपने डायरेक्ट पाउडर इसमें अभी ऐड करना है। इसमें आपने वन एंड हाफ टी स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, इससे बहुत ज़्यादा मज़े का और थिक सा बनेगा। और इसको हम फिर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कॉर्नफ्लोर को, और इसको हम लोग मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 30 मिनट के। आप 30 to 1 hour तक मैरिनेट होने के रख देते हैं। जितना आप ज़्यादा रखेंगे तो उतना ये मज़े का बनेगा, इसमें फ्लेवर ज़्यादा आ जाएगा। अभी हमने रख दिया है मैरिनेट होने के लिए, तो 30 मिनट्स के बाद मैं आपसे मिलती हूँ फिर। अब हमने फ्राई करना है, तो उसमें आपने फिर ऑयल ऐड करना है अच्छा खासा, फ्राई करने के लिए जैसे ऑयल डालते हैं। तो हम ये ऑयल डाल के थोड़ा सा गरम करेंगे ऑयल। उसके बाद हमने इसमें अपनी चिकन ऐड कर ली है, मैरिनेटेड चिकन हम सारी इसमें ऐड करेंगे और उसको हम फ्राई करने के लिए रख देंगे, और दोनों साइड से इसको ना फ्राई कर लेंगे। चलिए, अब हमारा ये एक साइड से फ्राई हो गया। अब ये फ्राई होता है तो फिर मैं आगे का काम हम स्टार्ट करते हैं। अब ये मैं निकाल रही थी, ये फ्राई हो चुका था, देखिए अभी रेड सा कलर इसका आ गया था और दोनों साइड से अच्छी तरह कुक हो गया था, क्योंकि चिकन हमारा अनकुक था। तो आपने अच्छा खासा इसको फ्राई करना है ताकि ये कुछ थोड़ा सा ना अनकुक ना रह जाए। अब आपने जो करना है, आपने एक पैन में ऑयल गरम करना है। आपने इसमें 1.5 स्पून ऑयल काटना है। इसमें हमने थोड़े से अनियन ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़े से, जस्ट फ्लेवर के लिए हम ऐड कर रहे हैं। अनियन ऐड करेंगे, उसके बाद हम अपना जिंजर गार्लिक थोड़ा सा पेस्ट ऐड करेंगे। पेस्ट तो नहीं करना, आपने थोड़ा सा सॉलिड ही रखना है ताकि वो अच्छा फ्लेवर। इसमें थोड़ी सी आपने ग्रीन चिली ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है, बस हमारे फ्लेवर के लिए। उसके अंदर आपने वही करना है, फिर सोया सॉस, चिली सॉस एंड वाइट विनेगर ऐड करना है। वो भी आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना, क्योंकि हमने पहले भी ऐड किया था, फिर बहुत स्पाइसी हो जाता है। देन हमने ब्लैक पेपर ऐड किया, देन शुगर, जो मेन इंग्रेडिएंट मंचूरियन का, हमने शुगर आपने 1.5 स्पून ऐड करनी है। शुगर थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा मीठा पसंद है, अगर थोड़ा कम पसंद है तो फिर थोड़ा कम करें। देन हमने इसमें चिली गार्लिक केचप ऐड करना, ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। वैसे आप टोमेटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे केचप का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है और इससे ज़्यादा मज़े का बनता है। हम केचप ऐड करेंगे इसमें 1 कप केचप। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। केचप से टेस्ट बहुत अच्छा सा आता है, क्योंकि फ्लेवर टोमेटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऐड करेंगे तो ज़्यादा मज़े का बनेगा। इसको हम मिक्स करेंगे। अब हम 3 to 4 मिनट्स के बाद अपना हम कुक चिकन ऐड करेंगे फ्राई वाला, और इसको इसके बाद हम अपने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करें। कॉर्नफ्लोर ले लें थोड़ा सा बाउल में, इसमें पानी मिक्स करें और इसको हम अपने मंचूरियन में ऐड कर देंगे। इससे थिक कंसिस्टेंसी हो जाएगी और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। और अब हम इसको मिक्स करके इसको कवर कर देंगे 10 मिनट्स के लिए। अब हमने अपने राइस बॉइल करने हैं, तो उसके लिए हम बाउल में पानी डालेंगे और हम अपना ऑयल एंड सॉल्ट थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। इसमें अपने राइस डाल देंगे, इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। आप फ्राइड राइस भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे गार्लिक राइस का दिल कर रहा था तो मैंने फ्राइड गार्लिक राइस बनाया, क्योंकि गार्लिक राइस मुझे ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू फ्राइड राइस। इसके अंदर मैंने मटर डाल दिया, ये भी साथ ही बॉयल हो जाएंगे। इसको हम बॉयल कर लेंगे। अब इसको हम छोड़ देंगे 8 to 10 मिनट्स के लिए, अब ताकि ये बॉयल हो जाए अच्छे तरीके से। अब हमने दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो रही हैं। अब हमने जो काम करना है ना, हमने एक बाउल लेना है, उसमें ऑयल डालना है थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है। आप 1.5 स्पून ऑयल ऐड कर लें। इसमें हमने गार्लिक ऐड करनी है। गार्लिक आपने छोटे छोटे चॉप करके ऐड करनी है, बिल्कुल उसका पेस्ट नहीं ऐड करना। गार्लिक ऐड करने के बाद हम इसमें अनियंस ऐड करेंगे। अनियंस भी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, आपने हाफ अनियन डाल दें सिर्फ टेस्ट के लिए, क्योंकि हमने गार्लिक राइस बनाने हैं। उसके बाद हमने जो राइस बॉयल हुए थे हम वो ऐड करेंगे इस इंग्रेडिएंट्स में, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और आपने फिर से वो प्रोसीजर रिपीट करना है, सोया सॉस, चिली सॉस एंड गार्लिक सॉस। इसलिए मैं आपको बताया था ना, इसलिए कम कम डालना है, क्योंकि आपने 3 दफ़ा इसमें ये चीज़ें डालनी हैं, क्योंकि इसी से फ्लेवर्स आएंगे।
तो आपने वही थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल हाफ टी स्पून डालना या उससे भी कम डाल लें। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए हमारा कलर इतना अच्छा राइस का आया है, इसको मिक्स करेंगे और हमारा मंचूरियन भी रेडी हो चुका है। बहुत मज़े का बना था, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना। आप लोग ट्राई करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि कितना मज़े का बना था। और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया, ये बहुत मज़े का बना था। मंचूरियन का टेस्ट भी बहुत अच्छा था, राइस का भी। आप फ्राइड राइस भी बना सकते हैं लेकिन गार्लिक राइस का मेरा मूड था तो मैंने गार्लिक राइस बनाया है। और ये आप लोग ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना मज़े का बना था। आप लोग ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि कैसा बना है। चलिए, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।